हेलो दोस्तों, हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए। ये जो हमारा आर्टिकल है 10 जून का है, और इसमें ये बताया गया है कि यूनिवर्सिटी रैंक में हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट हैं वो टॉप 200 में कहाँ कहाँ पर ये आते हैं। तो पढ़ते हैं आज का आर्टिकल। ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, ओनली 3 इंडियन इंस्टीट्यूट मेक इंटू द टॉप 200। तो आप देख रहे हैं कि विश्व में केवल 3 हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट हैं वो ही आ पा रहे हैं टॉप 200 में। और आप देख सकते हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है ये टॉप 5, टॉप 6, टॉप 7 में चला करती है। तो पढ़ते हैं, देखते हैं कि रिपोर्ट कहती क्या है। कहती क्या है, IIT बॉम्बे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एंड दो दूसरा है हमारे पास IIT दिल्ली, फीचर इन द टॉप 200 लिस्ट ऑफ द कॉर्सक्वैली सीमेंट्स। ये हमारे जो जिन्होंने जांच की है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के लिए, इन्होंने जांच की है। तो इसके लिए हम देखते हैं। अब आते हैं हमारे आर्टिकल पर, कहता है क्या है। ओनली 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, केवल 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फ्रॉम इंडिया इंडिया से हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, ठीक, IIT बॉम्बे हमारा एक आता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड IIT दिल्ली, फीचर इन टॉप 200 लिस्ट ऑफ द QS सीमेंट्स। ये हमारा जो कौशिकवर्ली सीमेंट्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में इन्होंने बताया है। आगे देखते हैं, इंस्टीट्यूट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट एंड द यूनाइटेड किंगडम एंड वन फ्रॉम स्विट्जरलैंड। इंस्टीट्यूट फ्रॉम द US और UK, एंड एक जो आया है ये आया है स्विट्जरलैंड से। ETH जूरी स्विज फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एट 6th रैंक। ये जो हमारा एक आया है वो 6th रैंक पर है, डोमिनेटेड द टॉप 10 स्पॉट, टॉप 10 में, ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पहला आया है ये हमारा आया है, पहला जो हमारा रैंकिंग आया है ये MIT आया है, ठीक। MIT जो हमारा ये हमारा पढ़ता है यूनाइटेड स्टेट में। सेकेंड जो है ये हमारा आया है स्टैनफोर्ड, और यहाँ पर ये भी पढ़ता है US में। और थर्ड जो आया है ये आया है हार्वर्ड, ये भी पढ़ता है हमारे पास US में ही। आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है इंडिया में, कि टॉप 3 में कोई नहीं, जनसंख्या में टॉप हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर पर ही। अब आते हैं फोर्थ पर। तो फोर्थ पर हमारा आता है, फोर्थ पर भी हमारा यूनाइटेड स्टेट ही है। फिफ्थ पर हमारा आता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक। अब आगे की हम बात करते हैं कि क्या आर्टिकल क्या कहता है, ठीक। तो कहता क्या है, मसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट टुक द नंबर 1। यह हमारा जो है MIT नंबर 1 पर है, फॉलोड बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और इसको पीछा करते हुए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का पीछा करते हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। यानी कि पहले नंबर पर हमारा आ गया MIT, सेकेंड नंबर पर आ गया हमारे पास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और थर्ड नंबर पर आ गया हमारे पास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, टेकिंग द सेकेंड एंड द थर्ड रैंक। सेकेंड रैंक कौन ले रहा है, स्टैनफोर्ड, और थर्ड रैंक कौन ले रहा है, हमारा हार्वर्ड, ठीक। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टुक द 4th स्पॉट, ये हमारा 4th नंबर ले रहा है, वाइल द UK ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टुक 5th, ये हमारा 5वां नंबर ले रहा है, ठीक। एमंग द इंडियन इंस्टीट्यूट, अब कहता है क्या है कि इंडियन इंस्टीट्यूट के बारे में हम लोग बात करने की सोच रहे हैं। आइए देखते हैं कि हमारा जो भारत है एजुकेशन में कहाँ पर खड़ा है। एमंग द इंडियन इंस्टीट्यूट टू फीचर इन द लिस्ट, जो इस लिस्ट के जो फीचर हैं, IIT बॉम्बे ग्रैब्ड द टॉप स्पॉट एट 172। ये जो ले रहा है 172वां स्थान, और जबकि कंपेयर टू द रैंक जो इसके पिछले साल रैंक थी ये थी 152। आप समझ सकते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट की रैंक कितनी अचानक गिर रही है। और हम लोग विश्व में इतने बड़ा देश होकर, आर्थिक शक्ति होकर, सब कुछ होने के बाद भी हम लोग इतना पीछे हो रहे हैं। कहता क्या है, वाइल IISc बेंगलुरु, जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी जो हमारा बेंगलुरु है, वाज द 185th स्पॉट है, अब उसका तो 185 स्थान चला गया है बेंगलुरु का, जो कि कहते हैं कि भारत में
बॉम्बे से भी अच्छा, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि रैंक के मामले में वो यहाँ पर गिर रहा है। IIT दिल्ली वाज द रैंक 195 और IIT दिल्ली की तो 193 रैंक है, और कुछ दिन बाद ये तो 200 के बाहर निकल जाएगा। दीज रैंक आर यूज एज ए रेफरेंस पॉइंट बाई हायर एजुकेशन एस्पायरेंट टू चूज दियर यूनिवर्सिटी फॉर चॉइस। और नॉर्मल सी बात है, कोई भी जो एस्पायरेंट होगा जो चाहता है हायर एजुकेशन में, कहाँ हम PhD कहाँ से करें, तो वो नॉर्मल सी बात है कि वो एक बेटर कॉलेज देखेगा ही अमेरिका में जाने के लिए। तो इसके लिए हमें भी अपने इंस्टीट्यूट को बेटर करना पड़ेगा, और आप रिपोर्ट देखिएगा अपने इंटरनेट पर सर्च करके कि आपके लिए कहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए बेटर है। कहते क्या है, IIT मद्रास इज़ रैंक्ड एट 275। आप देख रहे हैं IIT मद्रास जो है ये जो इसकी रैंक आई है 275, और IIT खड़गपुर की आई है 314। आप देखते रहिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट का क्या हालचाल चल रहा है भारत में। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाज रैंक 501। देखिए जो हमारे 99.9 98.9 जो बच्चे आते हैं उनका होता है DU में सिलेक्शन, और देखिए उसकी रैंक कितनी है, 501। आप समझ सकते हैं कि दुनिया में 200 देश हैं और उसकी रैंक अभी हमारे देश की जो DU की है, जो देश की राजधानी है वहाँ पर DU है, उसकी रैंक है 501। ए टोटल ऑफ 21 इंस्टीट्यूट फ्रॉम इंडिया मेड इट्स टू द लिस्ट ऑफ 1000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 200 देश हैं, 200 देश में कहता क्या है कि हम अगर हम 1000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ले लें तो इंडिया के कुल 21 आते हैं, और आप खुद समझ सकते हैं कि हम लोग को 13 IIT हैं या जो भी जितनी भी IIT हैं, कम से कम हमारी 12-13 IIT तो कम से कम टॉप 50 में आनी ही चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कुछ ले लिया US, कुछ ले लिया रसिया, कुछ ले लिया चाइना, कुछ तो हमको तो 50 में हमेशा बने ही रहना चाहिए कुछ भी हो जाए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 150 के पार ही जा रहा आंकड़ा। कहता क्या है, इन द लास्ट ईयर रैंकिंग, जो पिछले साल की रैंकिंग चल रही है, इन द लास्ट ईयर रैंकिंग द सेम 3 इंस्टीट्यूट हैड मेड टू द टॉप 200 लिस्ट। हाउएवर ए टोटल 24 इंस्टीट्यूट फ्रॉम इंडिया हैड मेड इन द टॉप 1000 इंस्टीट्यूट लिस्ट। पिछले साल रैंकिंग द सेम 3 इंस्टीट्यूट हैड मेड टू द टॉप 200, जो तीन हैं वो तो 200 में थे तो अभी भी 200 बने हैं। और यद्यपि ए टोटल 24 इंस्टीट्यूट फ्रॉम इंडिया हैड मेड इन टू द टॉप एजुकेशन लिस्ट, और पिछले साल 24 थे तो अब के साल 21 हैं, यानी कि तीन बाहर हो गए हैं। अब के साल तीन बाहर हो गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिलहाल सब कुछ पटरी पर आ जाएगा। इन द क्यूबस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, और क्यूबस यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है, द इंस्टीट्यूट्स आर इवेल्यूएटेड ऑन द 6 मैट्रिक्स मैट्रिक्स जो भी अपना ये लिखा रहा कि 6 मानक रखा है कि हम कैसे कैसे नापे हैं, क्या किए हैं, तो इन्होंने जो अपने रखे हैं मानक, ये पहला मानक दिया है कि एकेडमिक रेपुटेशन दिया है इन्होंने 40% नंबर, और जो हम उनके एम्प्लॉयर के हैं एम्प्लॉयर पर उन्होंने दिया है 10-10 नंबर, जो वहाँ के एम्प्लॉयर हैं यूनिवर्सिटी के, और फैकल्टी और स्टूडेंट रेशियो के ऊपर कि हाँ हमने कितने टीचर पर बच्चे पर रखे हैं उसके ये 20 नंबर इन्होंने दिए हैं। तो 40 40 10 50 50 60 70, और फिर ये सिटीजन पर फैकल्टी कि सिटीजन पर फैकल्टीज पर इस पर इन्होंने दिए हैं 20 20 नंबर, तो 70 80 90, और इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो और स्टूडेंट रेशियो इस पर दिए हैं 5-5%, यानी कि 5 इंटरनेशनल फैकल्टी पर 5 दिए हैं स्टूडेंट, यानी कि 90 5-5 100 हो गए। ठीक, तो आप इस पर एजुकेशन पर देखिए और अपने कमेंट जरूर इस पर नीचे लिखिए। ठीक, और आप भी एजुकेशन पर ही जोर दीजिए। धन्यवाद।